हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोटोशॉप में फोटो के लिए फ्रेम कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग पर सबसे पहले जाएंगे, कंट्रोल एंड करेंगे यानी न्यू फाइल लेंगे। ये देखिए, विड्थ जो है 1300 ले लेंगे, हाइट जो है 720, रेजुलेशन 96। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग आएंगे रेक्टेंगल टूल में, ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, ऊपर में जो है हमको स्पेस, पार्थ और पिक्सल मिल जाता, तो हमको स्पेस ही करना है। और ये फाइल में जाएंगे, यहाँ से नन करेंगे। उसके बाद ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक का यहाँ से कलर जो है, आप जो स्ट्रोक में जो कलर देना चाह रहे हैं वो जो है आप दे दीजिए यहाँ से। और यहाँ से देखिए, आप जो है साइज, स्ट्रोक का साइज जो है घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अभी मैं आगे वीडियो में अभी मैं बताऊंगा यहाँ से करके, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, आप जो डिजाइन यहाँ से लेना चाह रहे हैं, मान लो ये ले लेंगे तो ऐसा आएगा, ये ऐसा, ठीक है। मैं ये सिंपल सा रखता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ एक सर्कल बनाएंगे फ्रेम के लिए। ये हो गया, अब कंट्रोल ए करेंगे, मूव टूल में जाएंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। अभी फिर यू में यू प्रेस करेंगे। अभी इसको कंट्रोल जे करेंगे, अब जो है इससे आएंगे कंट्रोल टी। जो कंट्रोल टी हम लोग करेंगे, इसको थोड़ा इधर करेंगे, ये इधर, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, जितना इस पे आप प्रेस्टिक करेंगे उतना जो है अच्छा बनेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से करिए, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको शिफ्ट दबा के आप कर सकते हैं, कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं, मैं शिफ्ट से शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, ये इतना हो गया। तब अब चलेंगे हम लोग, फिर यू प्रेस करेंगे, अभी देखिए, अभी मैं बताया था ना आपको, यहाँ से साइज, ये साइज हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, मतलब 6 पे कर लेता हूँ, 4 पे कर लेता हूँ। अभी देखिए, ये सही दिख रहा है, ठीक है। अभी इतना होने के बाद अब हम जाएंगे कस्टम टूल में। यहाँ से जो है हम लोग, ये है कस्टम टूल, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए, ये सब पूरा कस्टम टूल है, ठीक है। ये जैसा ये डिजाइन है, पूरा ये डिजाइन है, ये देखिए, ये अलग अलग डिजाइन है, ये अलग अलग डिजाइन है, ठीक है। तो आपको जैसा बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। मैं फिलहाल इसी को लेता हूँ, ये इसको यहाँ से ले लिए, यहाँ से इसे डायरेक्ट करें, कंट्रोल टी करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं फ्रेम के हिसाब से, जितना बड़ा फ्रेम आप बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से जो है सेट करेंगे। अभी इतना होने के बाद अभी यहाँ हम लोग कंट्रोल जे करेंगे, अब कंट्रोल टी करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसको यहाँ ला के छोड़ेंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल भी आसान है। फिर हम यहाँ आएंगे, ये दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे। अभी जो है इसको कंट्रोल टी करेंगे,
अब राइट क्लिक करेंगे, फिलिप ओरिजिनल टेल इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारा सेव बन के तैयार है। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि जो है हम लोग जो है कंट्रोल जी करके, अभी देखिए ये कंट्रोल जी करेंगे, पहले ये पूरा सिलेक्ट करेंगे हम शिफ्ट दबा के, अब कंट्रोल जी करेंगे यानी ग्रुप, कंट्रोल टी, ये देखिए ये पूरा एक फ्रेम बन के तैयार हो गया। ठीक है, आप इसी तरह जो है और भी बना सकते हैं अलग अलग शेप में।